डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे से जुड़े कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। मंत्रालय के बयान के मुताबिक दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंडे से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर आगे चर्चा करने पर सहमति भी व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच हुई इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व सचिव विकास स्वरूप ने मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र एवं पश्चिम यूरोप प्रकोष्ठ के अधिकारियों एवं बर्लिन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ किया। वहीं जर्मनी के शिष्टमंडल का नेतृत्व जर्मनी के विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र डेस्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अधिकारियों और भारत स्थित जर्मनी दूतावास के अधिकारियों के साथ किया। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे से जुड़े कई विषयों पर बातचीत की है। भारतीय पक्ष ने चर्चा के दौरान जर्मन पक्ष को संयुक्त राष्ट्र के कार्यकाल के दौरान भारत की प्राथमिकताओं के बारे में भी बताया है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंडे से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर आगे भी चर्चा इसी तरीके से जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। इसके दो दिन पहले ही जर्मनी ने भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर दी थी। इसकी घोषणा जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा एयरलाइंस ने कहा था कि वो पूरे जून में 10 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी। ये नॉन स्टॉप अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होंगी, कोई दूसरा क्रू नहीं होगा। यात्री जर्मनी से सीधे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तक उड़ान ले सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर कुछ समय पहले कई देशों ने उड़ानों के संचालन पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि देश भर में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें लंबे वक्त तक निलंबित रही हैं, लेकिन मई 2020 से विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत उड़ी हैं। विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और कई देशों के साथ एयर बबल करार करके भी कमर्शियल विमानों के उड़ान को संचालित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।